प्रिय छात्रों, मैं शशांक भंडारी, प्रवक्ता विद्युत, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज हम मैश एंड नोड एनालिसिस का बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम विभिन्न प्रकार की जो परिभाषाएं हैं या डेफिनेशन वो करेंगे। उसके पश्चात हम नेक्स्ट पार्ट में किरचॉफ के नियमों को बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम आज जो परिभाषाएं सीखेंगे उसमें नोड, ब्रांच, मैश, लूप, ट्री, ये विभिन्न प्रकार की एक विद्युत परिपथ के। सबसे पहले नोड विद्युत परिपथ का वह संधि बिंदु जहां पर दो से अधिक विद्युत तत्वों को संयोजित किया जाता है नोड कहलाता है, अर्थात उस बिंदु पर न्यूनतम तीन तत्वों का मिलना आवश्यक है। द जंक्शन पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट नेटवर्क वेयर मोर देन टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इज नोन एज नोड। अब हम ब्रांच या शाखा, विद्युत परिपथ का वह भाग जो परिपथ के दो नोड के बीच स्थित रहता है शाखा कहलाता है। द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क विच एग्जिस्ट बिटवीन टू नोड्स इज नोन एज ब्रांच। प्रत्येक तत्व हेतु एक ब्रांच होगी, कोई वोल्टता स्रोत है वो भी एक शाखा होगी, या धारा स्रोत है वो भी शाखा होगी। अब लूप विद्युत परिपथ का एक बंद पथ लूप कहलाता है। द क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज नोन एज लूप। मैश या जाली, विद्युत परिपथ का एक लूप जिसे और अधिक बंद परिपथ में विभाजित नहीं किया जा सकता है मैश कहलाता है। द लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लोज्ड लूप इज नोन एज मैश। ट्री, शाखाओं का वह समुच्चय जो जाल के सभी नोडों को जोड़ता है परंतु उसमें कोई लूप नहीं होता है ट्री कहलाता है। A set of branches that connects all nodes but contains no loop is known as tree. अब हम एक विद्युत परिपथ की सहायता से इनके बारे में अधिक जानकर, जैसा कि इस परिपथ में दिखाया गया है, AB, BC, BD और AC, इन चारों में शाखा जो ये है शाखाएं हैं, इनमें एक एक प्रतिरोध लगा है और एडी शाखा में एक वोल्टता स्रोत। अतः एबी, बीसी, बीडी, एडी, सीडी, एसी, यह सब इस परिपथ की शाखाएं कहलाती है। बिंदु ए, बी, सी और डी, इन चारों बिंदुओं पर तीन तीन विद्युत तत्व आकर मिल रहे हैं, अतः ये पॉइंट या ये बिंदु नोड कहलाते हैं। लूप, जैसा कि हम देख सकते हैं कि वोल्टता स्रोत R2, R4 को मिलके एक लूप बन रहा है। एक लूप वोल्टता स्रोत R2, R3 को मिला के बन रहा है। एक लूप R2, R1, R3 को मिला के बन रहा है। एक लूप वोल्टता स्रोत R1, R3 और R4 को मिला के बन रहा है। इस तरह से विभिन्न लूप इसमें बन रहे। अब हम इसकी मैश के बारे में, तो मैश क्या है, जिसके अंदर और अधिक क्लोज्ड पाथ उपस्थित नहीं होते। जैसा कि हम देखें वोल्टता स्रोत R2, R3 और D बिंदु से होते हुए पुनः वापस वोल्टता स्रोत तक, यह एक लूप है। लेकिन
इस लूप को हम ए बी डी और वोल्टेज स्रोत और बी सी और डी यानी R3 और R3 को मिला के, तो इन दो जो लूप हैं इनको हम और क्लोज लूप में विभक्त नहीं कर सकते, इसलिए ये मैश कहलाते हैं। जबकि वोल्टेज स्रोत R2 R3 सी पॉइंट से होते हुए डी पॉइंट होकर के वोल्टेज स्रोत के नेगेटिव तक, यह एक लूप तो है किंतु मैश नहीं है। अब इस परिपथ का एक ग्राफ जो चित्र में दिखाया गया है, जिसमें संधि बिंदु ए बी सी डी और ब्रांचों को एक सीधी रेखाओं द्वारा या वक्र रेखा द्वारा बताया गया। अब यदि हम ट्री के बारे में देखें तो नीचे इस परिपथ के कई ट्री होंगे, जिसमें से कुछ चित्र में दिखाए गए हैं। पहला ए बी सी डी, ए बी सी डी, इन दोनों परिपथ में सभी नोड जुड़े हुए हैं लेकिन इसमें कोई भी बंद लूप नहीं है, इसलिए यह एक ट्री कहलाता है।